अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं CSI या UC NET के लिए और तलाश रहे हैं कोई कोचिंग, तो अनअकैडमी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप मूड में हैं कि आपको अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन लेना है, तो 31 तारीख तक के अंदर ले लीजिए, क्योंकि 31 तारीख के बाद से अनअकैडमी जो है प्राइस हाई करने वाला है अपने कोर्सेज पे। जैसे कि अगर आप 24 मंथ का कोर्स लेते थे प्लस का, वो पहले आपको 20,000 का मिलता था, प्राइस हाइक होने के बाद आपको वो 22,000 का पड़ेगा। ऐसे ही जो कोर्स 12 मंथ वाला 14,500 का था, वो अब आपको मिलेगा प्राइस हाइक के बाद 15,950। 6 मंथ वाला जो 11,600 का था, वो प्राइस हाइक के बाद मिलेगा 12,760। और 3 महीने वाला कोर्स जो कि 6,250 का था, वो प्राइस हाइक के बाद मिलने लगेगा 6,875 रुपए में। तो अगर आप CSI या UC NET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और सब्सक्रिप्शन लेने के मूड में हैं, तो आज ही अनअकैडमी पे इस कोर्स के लिए सब्सक्रिप्शन लीजिए। इसका लिंक आपको इस YouTube डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर साहब बॉटनी के। मैं हूं आपका दोस्त वीरेंद्र कुमार सिंह जिमनो। उसमें हमका लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करा रहे थे, जिसमें साइकल्स का जनरल फीचर और रिप्रोडक्शन पूरा हो चुका था। उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिया, जो मोस्ट कॉमनली सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं ऑल ओवर इंडिया। और ऐसे ही पाइनस जो कि इंपॉर्टेंट मेंबर है, साइकस और पाइकस दोनों इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। कोई भी आप बुक पढ़ेंगे, बेसिक बुक अगर कोई मेंबर उसमें दिया होगा, तो साइकस और पाइनस जरूर दिया होता है। तो अक्रॉस इंडिया ये दोनों आपको जनरल जो है पढ़ाए जाते हैं। इसके बाद जो है, जो जनरल होते हैं वो किसी बुक में होते हैं, किसी में नहीं होते, किसी एग्जामिनेशन में होते हैं या वो नहीं पाए जाते हैं। तो साइकस और पाइनस वाले लेक्चर जो है कंप्लीट हो चुके थे। अगर आपके सिलेबस में वो दोनों है तो वो पढ़ लीजिएगा। तो आज हम बात करते हैं थर्ड जीनर का, जिसका नाम है टैक्सेस। अगर आपके सिलेबस में है तो आप पढ़ सकते हैं, अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो ये आप छोड़ सकते हैं। टैक्सेस की बात करें तो टैक्सेस को कॉमनली हम यू बोलते हैं, ठीक। और जनरल फीचर्स शिक्षा हम देख लेते हैं। तो ये जो टैक्सेस प्लांट होता है, ये या तो एक श्रब होता है या कह लीजिए स्मॉल ट्री साइज का होता है। कभी कभी हम क्लियर कट डिफरेंसेस बता देते हैं कि कोई श्रब है या ट्री है, पर कभी कभी इंटरमीडिएट सेट भी मिलता है ना। तो आप या तो आप उसे कहेंगे कि ये लार्ज श्रब है, काफ़ी लार्ज, या तो आप कहेंगे ये पूरी तरीके से मतलब ट्री नहीं है, छोटा सा ट्री है, स्मॉल ट्री है। तो उसके बीच के साइज का होता है, इसीलिए इसको शब या लार्ज शब या स्मॉल ट्री बोल सकते हैं। अब मेन प्लांट बॉडी है, उसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं रूट में, स्टेम में और लीव्स में। रूट का खास बात है, अगर हम बात करें स्टीरियर सिस्टम का, तो जो है यहाँ पे आपको डायर्क और एक्सर्क कंडीशन मिलता है, ठीक। रूट में डायर्क और एक्सर्क कंडीशन मिलेगा, मतलब प्रोटोजाइलम जो होता है वो आउटसाइड रहता है, ठीक। और दो ही अर्क होते हैं प्रोटोजाइलम के। स्टेम की अगर हम बात करें तो स्टेम इसका ब्रांच होता है। मैंने आपसे पहले ही बताया कि साइकस में ब्रांच कंडीशन मिलती है, इसीलिए उसके रेफरेंस में, क्योंकि कंपेरेटिव आपको स्टडी करनी चाहिए तो देखना है किसमें ब्रांच है किसमें नहीं है। तो टैक्सस जो है एक ब्रांच टैक्सा है। यहाँ पे जो ब्रांचेस होते हैं, यहाँ पे भी डायमॉर्फिक ब्रांचेस आपको मिलेंगे, ठीक। एक तो डॉर्फ शूट होगा, या जिसको रिप्रोडक्टिव शूट बोलते हैं, और दूसरा क्या होगा, लॉन्ग शूट होगा, जिसे ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ बोलते हैं। डॉर्फ शूट को ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ भी बोलते हैं। तो ये हुआ दो टाइप के ब्रांचेस, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ एंड ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ हो गया। वुड की अगर हम बात कर लें तो वुड जो होता है यहाँ पे इसके स्टेम में, वो होता है पिक्नोजाइलिक। पिक्नोजाइलिक का मींस क्या होता है, हमेशा से आपसे मेनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक के बारे में पूछा जाता है। तो पिक्नोजाइलिक वुड कॉम्पैक्ट एंड हार्ड होता है। ट्रैकिड्स की बात कर लें तो यहाँ पे भी आपको बार्स ऑफ सानियो देखने को मिलेगा, क्योंकि ये टैक्सा रिलेटेड है किससे, पाइनस से ही। और ये जो बार्स ऑफ सानियो होता है कहाँ पे, अगर पूछा जाए पोजीशनिंग आपसे, तो ये कहाँ पे होता है, जो पिट्स होते हैं और ट्रैकिड्स पे उनके बीच में। और ये तो हुआ रूट स्टेम। अब लीव्स पे आते हैं, लीव्स भी इसका डायमॉर्फिक होता है। एक तो स्पायरली अरेंज फोलिएज लीव होता है, जो केवल लॉन्ग शूट पे ही ग्रो करता है, और दूसरा स्पायरली अरेंज था फोलिएज और केवल लॉन्ग शूट पे होता था या ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। वह जो अपोजिट डिकोसेट स्केल लीव्स होते हैं, ये केवल डॉर्फ शूट पे होते हैं। स्टोमेटा यहाँ पे भी हैप्लोचेलिक होता है, और जो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू होता है वो प्रेजेंट होता है आपको, आपको मिलेगा इसके लीव के विंग्स में। तो सिंडेटोचेलिक और हैप्लोचेलिक दो टाइप के स्टोमेटा होते हैं, ठीक। हैप्लोचेलिक स्टोमेटा में जो सब्सिडरी सेल्स हैं और जो क्या होता है आपका गार्ड सेल्स होते हैं, वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक ही उससे, एक ही इनिशियल सेल से बनते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे हैप्लोचेरिक का डिफिनेशन, तो आप क्या बोलेंगे, टाइप ऑफ स्टोमेटा इन विच टू गार्ड सेल एंड द सब्सिडरी सेल्स आर ऑल डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल मदर सेल।
तो ये सब सारी कहानी थी जनरल फीचर्स, इसके बारे में मैं कम बता रहा हूँ क्योंकि उतना पूछा नहीं जाता है। साइकस और पाइनस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। रिप्रोडक्शन पे देख लेते हैं, तो मेजोरिटी जो टैक्सस के स्पीसीज होते हैं वो डाइसियस होते हैं, डैट मीन्स मेल और फीमेल जो प्लांट होगा वो अलग अलग होता है, और ये हेटरोस्पोरस तो होते ही हैं। अब जब मेल और फीमेल प्लांट हो गया, तब मेल प्लांट की बात कर लेते हैं, मेल प्लांट के क्या फीचर हैं। मेल प्लांट मान लीजिए जनरल फीचर है वैसे ही रहेगा, लीफ डायमॉर्फिक, स्टेम में ये फीचर, रूट में ये फीचर जो आपने ऊपर पढ़ा है। अब मेल और फीमेल प्लांट से मेरा बताने का ये मतलब है कि हम स्पेशली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। तो मेल प्लांट पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे मेल, वो जो माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं वो यहाँ पे कोन बनाते हैं। कोन क्या होता है, अगर हम बात करें नॉर्मल लीफ का तो वो लूजली अरेंज रहता है, पर कोन्स जो होता है कॉम्पैक्ट, आपको दिखेगा कि ये कोन है, ठीक, कॉम्पैक्ट स्पायरल्स बनाते हैं। तो यहाँ पे जो माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, जहाँ पे आपके माइक्रोस्पोरेंजिया बनेंगे जिसमें माइक्रोस्पोर डेवलप होता है, वो क्या होगा, मेल कोन यहाँ पे बनता है। और जो कहाँ पे बनता है, एक्सिस जो होता है लीव्स का उसमें बनता है, और किस लीव्स में, जो ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ वाले पे होंगे, इसीलिए लिमिटेड ग्रोथ को सेक्सुअल ब्रांच भी बोल सकते हैं आप। मेल कोन जो होता है वो मेच्योरिटी पे पेंडेंट होता है, दैट मीन्स वो लटका हुआ होगा। माइक्रोस्पोरोफिल की बात कर लेते हैं, तो माइक्रोस्पोरोफिल्स भी पेल्टेट स्ट्रक्चर होते हैं, साथ ही साथ में पेंडेंट ये भी लटका हुआ, माइक्रोस्पोरोफिल्स भी पेल्टेट और पेंडेंट माइक्रोस्पोरेंजिया भी। तो सारे के सारे स्ट्रक्चर अगर आपसे पूछा जाए किस में पेंडेंट आपको मिलता है, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया, ये सब सारी चीज़ें, मेल कोन भी, तो आप क्या बताएंगे, टैक्सिस या यू भी दिया जा सकता है जो कि इसका कॉमन नेम है। जो डेवलपमेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजिया का वो यूस्पोरेंजिया टाइप का होता है, और जो माइक्रोस्पोर होता है या जिसे आप पॉलन ग्रेन बोल सकते हैं, वो यूनिन्यूक्लिएट स्टेज पे शेड किया जाता है। फीमेल प्लांट के बारे में उनका फीचर देख लेते हैं, यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो कोन में नहीं ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक। डेवलपमेंट जो होता है मेगास्पोरेंजिया का वो यूस्पोरेंजिया टाइप का होता है, ओव्यूल ऑर्थोटॉपस होगा जैसे कि सारे जिम्नोस्पर्म में मिलते हैं, यूनिटेक्मिक होगा जैसे कि सारे जिम्नोस्पर्म में मिलते हैं। ओव्यूल के पास एक नैरो माइक्रोपाइल होता है, अंदर न्यूसलस होता है, इंटिगमेंट यहाँ पे डिफ्रेंशिएटेड रहता है साइकस पाइनस के ऐसे तीन डिस्टिंक्ट लेयर में, आउटर इनर फ्लेशी मिडल सोनी, जैसा कि आप सब में देखते आ रहे हैं। यहाँ पे खास बात है कि ये जो ओव्यूल होता है ये सप्लाइड रहता है दो वैस्कुलर स्ट्रैंड से। अब ओव्यूल, सारी कहानी खत्म हो जाती थी ओव्यूल, क्योंकि ओव्यूल जिम्नोस्पर्म में केवल ओव्यूल ही पाया जाता है, ओवरी रिसेप्टर नहीं पाई जाती, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा पाई जाती है वहाँ पे ओव्यूल के साथ, जो कि जिसको हम बोलते हैं एरिल। एरिल जो होता है, आप इसका अगर फ्रूट देखेंगे, फ्रूट तो नहीं बनता है इसमें, ओव्यूल जब आगे मतलब सीड जो देखेंगे उसके चारों ओर आपको रेड रेड कलर का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा, वो एरिल होता है जो कि आउटग्रोथ होता है ओव्यूल का ही। मेल और फीमेल गेमेटोफाइट की बात कर लेते हैं, जैसे कि माइक्रोस्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोर बनेगा, मेगास्पोरेंजिया से मेगास्पोर बनेगा। तो मैं माइक्रोस्पोर था मैंने आपसे बताया, यूनिन्यूक्लियेट कंडीशन में वो शेड होगा प्लांट से, और फर्दर जो उसका डेवलपमेंट होता है, क्योंकि भाई माइक्रोस्पोर क्या होता है, मेल गेमेटोफाइट बनाता है, तो जो अब इसका जो डेवलपमेंट है माइक्रोस्पोर का, ये पॉलिनेशन के बाद ही डेवलप होगा। माइक्रोस्पोर डिवाइड होगा ट्यूब सेल में और जनरेटिव सेल में, यहाँ पे कोई प्रोथेलियल सेल नहीं पाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। और वहीं अपने साइकस पाइनस में पढ़ा है कि वहाँ पे प्रोथेलियल सेल भी होता है। जनरेटिव सेल जो होता है वो फिर से डिवाइड करता है स्टॉक सेल और बॉडी सेल में, और फिर आगे चल के बॉडी सेल ही डिवाइड हो जाता है दो न्यूक्लियाई में, जो कि स्पर्म होते हैं, नॉन फ्लैजलेटेड स्पर्म, ठीक। अगर मेगास्पोर की बात कर लें, जो कि फीमेल प्लांट पे होगा, मेगास्पोरोफिल्स पे, तो ये जो होता है डेवलप होता है फीमेल प्रोथैलस या एंडोस्पर्म में डेवलप होता है, जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होता नहीं है। अब यहाँ पे जो अपेक्स होता है ये मेगास्पोर का, मतलब फीमेल प्रोथैलस का, वो क्या फॉर्म करता है, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसे टेंट पोल बोलते हैं। आर्चिगोनिया जो डेवलप होता है कुछ सेल से डेवलप होता है इसमें, और मेच्योर आर्चिगोनिया में अगर बात करें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वहाँ पे आपको दो चार नेक्स्ट सेल्स मिलेंगे, एक एक न्यूक्लियस मिलेगा, वेंटर कैनाल सेल आपको नहीं मिलता है जिम्नोस्पर्म में, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन की बात करें, जब स्पर्म न्यूक्लियाई और एग मीट होते हैं तो फर्टिलाइजेशन होगा, उसे जायगोट बनेगा, जायगोट बनाता है प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो डिवाइड हो जाता है मतलब पार्ट्स में, आप कह लीजिए वर्किंग पार्ट्स में, सस्पेंसर सेल में और डाइकोटिलेडंस एम्ब्रियो, दैट मीन्स डाइकॉट ये भी है, मतलब डाइकॉट प्लांट नहीं, कोटिलेडंस जो होता है वो यहाँ पे दो पाए जाते हैं साइकस के जैसे, पाइनस में पॉलीकोटिलेडंस कंडीशन होती है, मतलब दो से ज़्यादा, और यहाँ पे भी जर्मिनेशन पाइनस के जैसे एपिगियल होती है, साइकस में हाइपोगियल होती थी। अब खास बात ये है कि रेजिन डक्स जो होते हैं वो टैक्सस के एरियल प्लांट्स में नहीं पाए जाते हैं,
और क्योंकि ये पाइनस से क्लोज है, तो पाइनस से इसका यही डिफरेंस है कि इसमें जो होता है रेजिन कैनाल्स नहीं पाए जाते हैं एरियल पार्ट्स में, वहीं उसमें होता था पाइनस में। तो ये था आपका टैक्सस का पूरा लाइफ साइकिल, जनरल फीचर्स और रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट पार्ट में कोई और इंपॉर्टेंट मेंबर जो होगा जिम्नोस्पर्म का, वो हम बताएंगे। जल्दी हम आपका जिम्नोस्पर्म पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। तो देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एलजी फंजाई ब्रायो ट्रेडो जिम्नो एनजीओ साइटोलॉजी बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।